अब ये देखो, मैंने नीम का पौधा थे ना जड़ से उखाड़ लिया है, अब वहाँ पर लगाना है। अब ये देख सकते हो, ये जो ना मैंने बनाई हुई झुपड़ी जो कि कंडों की झुपड़ी है, ये देख सकते हो। अब ये देख सकते हो, ऐसे जो ना हम पहले खोटाई करेंगे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूँ हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। तो आज के दिन की शुरुआत बिल्कुल हो चुकी है, अभी टाइम हो रहा है पूरे 7। और आज मैं जैसे सुबह सुबह निकला बाहर, तो बाहर देखा तो मौसम जो है ना काफ़ी ज़्यादा सुहाना हो चुका है। और रात जो है ना यहाँ पे देर से बारिश हुई थी, मतलब इतनी ज़्यादा तो बारिश नहीं हुई, मतलब मामूली सी बारिश हो चुकी है। और यहाँ पे ना मैंने 3 दिन पहले यहाँ पे कुछ ना नीम के पौधे लगाए थे, तो उसमें जो ना कुछ जो ना सही तरह से हो चुके हैं और कुछ जो है ना सूख चुके हैं। तो जो सूख चुके हैं उसकी जगह पे दूसरे पौधे लगवाने हैं, और जो नहीं सूखे उसके ऊपर जो ना मुझे झोपड़ी बनानी है ताकि बकरियाँ वगैरह उस नीम को खा ना सके। तो दिखाते हैं आप लोगों को। अब ये देख सकते हो, ये जो ना मैंने बनाई हुई झोपड़ी जो कि कंडों की झोपड़ी है, ये देख सकते हो। ये अपना देवी की डाली उसकी मैंने बनाई, और वहाँ पे आप नीम देख सकते हो, ये नीम। बाकी यहाँ पे मैंने जो लगाई थी ये देख सकते हो, ये सही तरीके से हो चुकी है। बाकी यहाँ पे एक लगाई थी वो जो ना अभी यहाँ पे सूख चुकी है, पता नहीं कहाँ गई। तो यहाँ जगह इस जगह पे लगानी है दूसरी। बाकी ये देख सकते हो इधर भी खड़ी है, और इस तरफ सारी मैंने जो ना झोपड़ी अपना नीम के पौधे लगाए थे। बाकी ये मौसम देख सकते हो, तो वहाँ पे हमारे खेत बहुत ज़्यादा मतलब खूबसूरत मौसम हो चुका है। अब थोड़ी देर बैठ के चाय का आनंद लेते हैं। अब ये देख सकते हो, ऐसे जो ना हम पहले खोटाई करेंगे थोड़ी सी, और उसकी जगह पे जो ना हम यहाँ नीम लगाएंगे। अब जो जिस जगह पे जो नहीं है ना नीम, वहाँ पे लगाने, जहाँ पे जो सूख चुके हैं ना वहाँ पे लगाने। अब यहाँ पे देखो, ये 3 जो है ना मैंने खड्डे बनाए हैं 4, और इसमें जो है ना नीम के पौधे लगाने हैं। अब नीम के पौधे कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे हमको। अब ये देखो, ये एक नीम का पौधा खड़ा है, और साथ ही ये इसको जो है ना जड़ से उखाड़ के वहीं पर लगा देंगे। अब ये देखो, मैंने नीम का पौधा है ना जड़ से उखाड़ लिया है, वहाँ पर लगाना है।
अब ये देखो, ये जो है ना हमने अभी अभी लगाई हुई है, ये देखो, और जैसे इसके ऊपर बारिश जो हो जाएगी ना, तो उसके बाद ये ना बिल्कुल हो जाएगी अच्छी तरह से। या हम इसके ऊपर पानी डालते रहेंगे। ये जो ना मैंने 7 दिन पहले ये लगाई थी, अभी ये देखो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, देख सकते हो। ये अभी भी लगाई गई है, बहुत बड़ी होने का चांसेस तो है, लेकिन हो जाए। अभी नीम के पौधे यहाँ पे लगाए हुए। अब इसके ऊपर जो है ना हमें को झोपड़ी बनानी है, कांटों की झोपड़ी बनानी है। वो कांटे अपना देवी की जो डाली होती है ना, उस पर कांटे बहुत होते हैं, तो वो मैंने पहले से यहाँ पे जमा करके रखे हुए। अब झोपड़ी बनाते हैं। अब ये देखो, ये है कांटे देवी के, जो मैंने पहले से ही जो है ना इसको कलेक्ट करके रखे हुए थे। अब ये प्रेम ले रहा, प्रेम ले गया। गाइज अब देखो, हमने जो ना 3 ये झोपड़ी बना लिए, बाकी ये जो ना अभी भी लगाए गए, तो कल तक जगह अच्छे हो जाएगा तो इसके ऊपर जो ना हम झोपड़ी लगाएंगे, नहीं तो फिर इसको जो ना यहीं भी रहने देंगे। बाकी ये देख सकते हो, ये देख सकते हो, ये झोपड़ी जो ना मैंने बहुत टाइम पहले बनाई थी, उसमें जो नीम भी अच्छी हो चुकी है, और झोपड़ी जो है मैंने पहले बनाई थी ये। तो गाइस नीम के ऊपर जो ना हमको झोपड़ी बनाने थे, वो हमने 3 बना लिए। बाकी आज जो हमने जो लगाई है अपने नीम के पौधे, वो कल तक नहीं सूखेंगे, तो उसके ऊपर जो ना हम अपना बनाएंगे झोपड़ी। और हमारे घर पे पहले से बहुत सारे नीम है, ये देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा नीम है। और साथ ही उस तरफ 3 है, और एक वहाँ पर खड़ा है, वो जो ना बारिश में टूट चुका है, तो एक साइड उसकी रह चुकी है, बाकी जो ना वो टूट चुका है। बाकी अभी जो ना अभी ये लगा, ये देख सकते हैं गाइज, ये जो हमने नीम के पेड़ लगाए हैं ना, ये डायरेक्ट मतलब नीम के जो सीड्स होते हैं ना, वो नहीं लगाए हुए, जो उगे हुए थे ना, अब बड़े जो नीम होते हैं उसके नीचे जो उगते हैं ना, ये अपना पक्षियों की वजह से, तो वो हमने लगाए हैं। वो क्यों लगाए हैं, क्योंकि वो जो ना अभी जल्दी हो जाएंगे। वो सीड जो लगाने उसको बहुत टाइम लगता है, और सीड जो है ना ख़राब भी हो जाते हैं, तो पेड़ अच्छी तरह से होते नहीं, इस वजह से हमने उगे हुए जो नीम के जो पेड़ थे ना, वो लगाए हुए। और अभी जो ना गर्मी बहुत हो रही, तो पहले मैं नहा लेता हूँ। तो गाइस नहा के बाहर आ चुके हैं, एकदम फ्रेश पानी था। अब थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मैं जाता हूँ खेत। खेत आप लोगों को दिखाता हूँ, बहुत टाइम के बाद जो ना मैं खेत पे नहीं गया, तो अब जा रहा हूँ। तो गाइस नाश्ता वास्ता कर लिया, अब जा रहा हूँ खेत, और काफ़ी टाइम बाद जो है ना खेत जा रहा हूँ, और उधर जाके देखते हैं हमें जो बाजरा और ग्वार लगाए वो अभी तक हुआ या नहीं हुआ, वो देखते हैं। ये देख सकते हो गाइस, ये देख सकते हो गाइस, इतना ज़्यादा तो नहीं हुआ है जो हमने लगाया था, लेकिन इसमें जो ना थोड़े से हुए हैं क्रॉप्स। तो बहुत लोगों ने जो ना कमेंट किया हुआ है, तो आप जो ना अपने
यहाँ पे खेत में जो मोर आते हैं ना उसको मारो मत। तो भाई हम जो है ना मोर को मारते नहीं हैं यहाँ पे, हमें भी पता है मोर को मारना नहीं चाहिए, ये बहुत बड़ा जुल्म होता है। तो हम मोर को मारते नहीं हैं, हम उसको सिर्फ प्यार से समझाते हैं और उसको सिर्फ भगाते हैं अपने खेत से। तो ये जिसने ये कमेंट किया था ना उसको आज इस वीडियो में जवाब मिल गया। तो आई होप आपने जो ना हमारा खेत जो ना देख लिया, देखने के लिए क्या था, खेत में जो कुछ नहीं है वैसे ही मतलब है। तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मतलब इतनी बड़ी वीडियो भी नहीं थी, बहुत ही मतलब छोटी सी वीडियो थी। बाकी जितनी भी वीडियोस मैं बनाऊंगा वो जो ना लंबी वीडियोस बनाऊंगा और बहुत जो ना मज़ेदार वीडियोस बनाऊंगा। ये मतलब वैसे ही मतलब रैंडम वीडियो जो ना मुझे बनानी पड़ी। तो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, आई होप कि आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। मज़ा आए इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।